अभी इसका मैंने एक पहलू खोला है, अभी दूसरा सुने तीसरे कलमे को। पहला पहलू है अपनी जात की नफी, अपने सिफात की नफी, अपने कारनामों की नफी और अपने कमाल की नफी, अपने जमाल की नफी, अपने फन और फनकार होने की नफी, अपने सब्जेक्ट की नफी और अपने आप को सब्जेक्टेड होने की नफी। और इसका दूसरा रूहानी पहलू क्या है कि हाँ, सुभान अल्लाह कहने से जन्नत में दरख्त लगे, अल्हम्दुलिल्लाह कहने से जन्नत में दरख्त लगे, वला इलाहा इल्लल्लाह कहने से जमीन व आसमान का खिलाल नेकियों से भर जाए, और अल्लाहु अकबर कहने से जन्नत में दरख्त भी लगे, और एक ऊंट ज़बह किया, टुकड़े टुकड़े किया और अल्लाह की राहों में खदिया और तकसीम कर दिया, इतना सवाब मिले। ये चीजें मेरे आपके रोगों को खत्म कर रही हैं। एक तस्बीह तीसरे कलमे की पढ़ने वाला सुबह शाम बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा रहता है। क्यों? उसने 100 दफा अल्लाह अकबर किया, 100 ऊंट तो उसने सदका कर दिए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। अब जब 100 ऊंट रोज बंदा सदका करे सुबह शाम, बोले बलाएं, मुसीबतें, तकलीफें, आफात, जादू, नजरे बद, लाइलाज बीमारियां, दुख, जिंदगी के कितनी नामुमकिन मसाइल उसके करीब आ सकते हैं जो 100 ऊंट सुबह शाम सदका करे। सदका बलाओं का रद है, मेरे आका ने फरमा दिया। आप अल्लाह अकबर कह के 100 ऊंट सुबह शाम सदका कर लेते हैं। अगला सुने, कि जो एक तस्बीह सुबह शाम कलमे की पढ़ेगा, क्यामत के दिन अल्लाह के अर्श के अलावा कोई साया नहीं होगा, और इसके लिए नीचे मुश्क जाफरान का घास होगा, अर्श का साया होगा, हौज़ो तस्नीम के इसके सामने सलसबील के जाम होंगे, और लोग कहेंगे मौला ये कोई नबी पैगंबर है? फरमाया नहीं, उम्मती है मेरे मदीने वाले का एक अदना सा, सुबह शाम कलमे की तस्बीह पढ़ता था। ये इसके फजाइल का दूसरा पहलू है, सुबह शाम कलमे की तस्बीह पढ़ता था। और फरमाया जो बंदा सुबह शाम अल्हम्दुलिल्लाह की एक तस्बीह पढ़ ले, तीसरे कलमे में अल्हम्दुलिल्लाह है, आज तो जागते रहे, मेरी तरफ देखते रहे, आज तो ये जफा ना करें, आज ये जफा ना करें, कि भाई तीसरे कलमे की तस्बीह है या नहीं है, है अल्हम्दुलिल्लाह है ना उसमें। मैं जो सुबह शाम एक तस्बीह अल्हम्दुलिल्लाह की पढ़ता है, एक तस्बीह अल्हम्दुलिल्लाह की पढ़ता है, अल्लाह गैब के खजाने से उसे उन लोगों में शामिल करते हैं जो शुक्र करने वाले हैं। और बताऊं, शुक्र करने वालों के लिए नेमतें बढ़ने के फैसले हैं, इनायात बढ़ने के फैसले हैं, दौलत, रिस्क, आँख की नेमत, दिल की नेमत, गुर्दे की सेहतमंद होने की नेमत, नस्लों की नेमत, बेटों की नेमत और घर की नेमत, लिबास, सवारियों की नेमत। अल्लाह कहता है मैं बढ़ा देता हूँ और इतना बढ़ा देता हूँ जो मेरा शुक्र करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा तो जिक्र भी है, हमारा तो फिक्र भी है, इसमें हमारे लिए मुसीबतों बीमारियों का इलाज भी है, इसमें दराजात की बुलंदी भी है। और फरमाया इंसान के 360 जोड़ हैं, हर जोड़ के जिम्मे सदका है। तो पूछा क्या सदका? फरमाया सुभान अल्लाह सदका है, अल्हम्दुलिल्लाह सदका है, वला इलाहा इल्लल्लाह सदका है, अल्लाहु अकबर सदका है। आपने जोड़ों का जिस्म का सदका दे दिया, जिसका सदका दे दिया अल्लाह उसको सलामत रखेगा या खत्म करेगा? आप बोले कितनी बात कमाल है, तीसरा कलमा ना हुआ तो कोई कोई खजाना हुआ।